इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि असल में आप एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन जो है वो अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली मेरे पास ये इंस्टॉल है और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और मोबाइल मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है और बेसिकली ये आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इनका आप लोगों ने तरीका जानना है कि असल में ये कैसे होता है। सो आप लोगों ने क्या करना है, मैं अभी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं इनका डेटा जो है वो क्लियर कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि आप लोग को मुकम्मल जानकारी मिले। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो क्लिक करने के बाद बेसिकली यहाँ पे मैं इनका डेटा जो है वो क्लियर कर लेता हूँ। सो क्लियर करने के बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डेटा इसका क्लियर कर दिया है। उसके बाद आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप लोगों ने ये एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करना है। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोग को मुकम्मल जानकारी मिले, काफ़ी काम की चीज़ मैं आप लोग को देने वाला हूँ। उसके बाद जैसे आप इनको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इनका इंटरफेस ऐसे होता है और सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल को किसी लाइक वाईफाई के साथ ऑन करना है, क्योंकि इनका सेटिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आप लोग को लाइव करके दिखा देता हूँ। मैं वाईफाई पे टैप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस लाइक अपने वाईफाई के साथ लिंक हो जाता हूँ। सो सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट होना है। उसके बाद आप लोगों ने ये ऐप जो है लाइक डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, आप लोगों ने एग्री करना है और जैसे आप एग्री करेंगे तो आप लोगों ने इसको एक्टिवेट करना है। सो बेसिकली जैसे आप एक्टिवेट करेंगे तो असल में वो कह रहे हैं कि आप ये लाइक कर लें ये ऑप्शन जो है। तो असल में आप लोगों ने पहले कनेक्ट वाईफाई पे करना है, जो कि ऑलरेडी मैं कनेक्ट हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि आप कनेक्टेड हैं। उसके बाद आप अपने मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन करेंगे। वो बेसिकली ऐसे होता है, अगर मैं यहाँ पे सैमसंग में जाऊँ तो यहाँ पे जो है मैं लाइक अबाउट फोन पे क्लिक कर लेता हूँ। अबाउट फोन पे क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन बिल्ड नंबर पर जैसे आप 7 दफ़ा टैप करेंगे तो आपका डिवेलपर मोड जो है वो ओपन हो जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पर जो है मैं ओपन डिवेलपर मोड, ये भी ओपन है। पेयर डिवाइस आप लोगों ने पेयर करना है, बेसिकली जैसे आप पेयर डिवाइस पे क्लिक करेंगे सो आप लोग इनको अलाउ करेंगे। सो अलाउ करने के बाद ये नोटिफिकेशन आप लोग इनको ऑन करेंगे। उसके बाद आप बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद पेयर डिवाइस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इस लाइक पेज पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बता दूं तो यहाँ पे टॉप टू लाइक पेयर डिवाइस। सो जैसे आप पेयर डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आप डेवलपर मोड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा इसमें बेसिकली एक वायरलेस मोड का, आप इनको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका वाईफाई के साथ लिंक होना चाहिए, तभी ये सारे काम होंगे, उसको ओपन करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों ने पेयर डिवाइस पे क्लिक करना है और बेसिकली ये कोड जो आप लोग को दिया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं 37 45 42, आप लोगों ने यहाँ पे इनको क्लिक करना है। सो मैं यहाँ पे 37 45 42 जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, सेंड पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बैग जाता हूँ, बैग जाने के बाद मैं इजिली यहाँ से एक्टिवेट कर लूंगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। अब ये सारे काम आप लोगों ने बंद करने हैं क्योंकि आप लोग का एक काम हो गया। उसके बाद आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप लोगों ने इनमें एक वर्चुअल एंड्रॉयड मशीन जो है क्रिएट वीएम जो है वो कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप कौन सा लाइक एंड्रॉयड वर्जन लेना चाहते हैं। इनमें बेसिकली 7 वर्जन जो है वो इंक्लूड है। अगर आप दूसरे करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इनको डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फाइल है ये टोटली लाइक एक एंड्रॉयड 11 वर्जन है, ये आपके मोबाइल में लाइक डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। सो ये जैसे डाउनलोड हो जाता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, आपके पास थोड़ा सा नेट अच्छा होना चाहिए, ये तकरीबन 500 MB का फाइल है। उसके बाद जैसे ये डाउनलोड हो जाता है मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोडिंग जो स्टार्ट हो गई है और बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये 500 MB का डेटा है, जैसे ये कंप्लीट होता है मैं आप लोग को गाइड करता हूँ। सो यहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फाइल जो है 100% हो गई है। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है और बेसिकली आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को रेजोल्यूशन का पूछा जाएगा, तो आप डिवाइस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। सो यहाँ पे आप इस लाइक वर्चुअल एंड्रॉयड को नेम भी दे सकते हैं क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें और भी अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। उसके बाद आप कंप्लीट करेंगे। सो जैसे आप कंप्लीट करेंगे आप स्टार्ट वीएम पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे 1 से 2 मिनट जो है वो आप लोगों से आपका मोबाइल कहेगा कि ये फाइल इंस्टॉल हो रहा है आपके मोबाइल में। थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है और बेसिकली जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है तो मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप बूटअप जो है ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 10 से 30 सेकंड और लेगा। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें जो भी आपके ऐप्स होते हैं आपके मेन एंड्रॉयड में उनको भी आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें अभी मैं आप लोग को लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बूटिंग लिखा हुआ है।
उसके बाद अगर आप लोग को इस तरह का लाइक मैसेज आता है, आप लोगों ने इनको इग्नोर करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को लाइव करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास एक सैमसंग डिवाइस है, यह आप किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं। इससे आप बड़े बड़े काम ले सकते हैं, इससे आप व्हाट्सअप के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भी लाइक बहुत सारे जो हैं काम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे बोटिंग जो है अभी भी मैं वेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिपेयर हो रहा है और बेसिकली ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जितने भी आप लोगों से परमिशन मांगेंगे वो आप लोगों ने दे देने हैं। उसके बाद बूम, आप लोग का ये एक एंड्रॉयड जो है वो स्मार्टफोन जो है वो तैयार हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो अगर मैं बैक पे जाऊँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये मेरा अपना मोबाइल है। उसके बाद अगर मैं इस सॉफ्टवेयर को लाइक ओपन कर लूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं इनको स्टार्ट करूंगा तो इसमें एंड्रॉयड 11 वर्जन चल रहा है। अगर मैं इनकी सेटिंग पे क्लिक कर लूँ तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी सेटिंग टोटली चेंज हो गई है और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम, उसके बाद ये सारा सिस्टम जो है आप लोग को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों ने व्हाट्सअप जो है फिर इंपोर्ट करना होता है। जैसे आप ऐड ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो मेन मोबाइल में जितने भी ऐप्स होते हैं, जैसे कि मेरा व्हाट्सअप है, जैसे आप इनको इंपोर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंपोर्ट हो रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें आप प्ले स्टोर भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक कंप्लीट लाइक एक वर्चुअल एंड्रॉयड मशीन आप लोग को मिल जाता है, आप इजीली इनमें कर सकते हैं। ये इंपोर्ट हो गया है। उसके बाद अगर आप बैक जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये व्हाट्सअप मेरे मोबाइल में आ गया है। अब बेसिकली अगर आप यहाँ से लाइक लॉगिन होते हैं तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आप एग्री कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप नंबर से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से लाइक किसी भी डिवाइस को यहाँ से लाइक लिंक भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है इस व्हाट्सएप से आप बेसिकली स्क्रीनशॉट और ये सारी चीज जो है वो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि असल में इसको हम कैसे लाइक इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आपको और मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक्स डेली बेसिस पे YouTube में मिलते रहें। शुक्रिया।